अब सबसे पहले मैं बताऊं, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। ये आपके बाजू में ये जो शादियां होती है शिव मूर्ति के बाजू में, इसको 8 लेन नीचे में टनल, इसमें 6 लेन टनल है और इसके जो टेंडर निकाले गए तो इसकी जो कॉस्ट है हमारी 250 करोड़ नहीं थी, 206 करोड़ पर किलोमीटर जो CAG के हिसाब से। और हमारा पहला पैकेज 5 बिडर थे, 9% नीचे गया। दूसरा पैकेज 4 बिडर थे, 4.8% ज़्यादा गया। तीसरा पैकेज 12 बिडर थे, -25% 24/7% नीचे गया। पैकेज 4 8 बिडर थे, -8.1% हुआ। और ये पूरा प्रोजेक्ट में हमने टोटल 12% कॉस्ट कम की है सिविल कंस्ट्रक्शन की। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर बोल रहे हैं वो 230 किलोमीटर है, इसमें अंदर में टनल है और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने CAG के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी। हमारी छोटी सी गलती ये होगी कि चर्चा में वो कन्विंस होने के बाद हमने रिटर्न में दिया नहीं और बाद में वो लिख के आया है। पर जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात करें, आपसे लेकर मीडिया से लेकर और विपक्ष के नेताओं को मेरा पूरा आह्वान है, हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। और मुझे इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख करोड़ के काम करने का मौका मिला। आप एक भी काम में कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई कहे कि यहाँ करप्शन हुआ और इतना देना पड़ा, तो आप मुझे बताइए, आप जो बोलोगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 563 किलोमीटर का है और 2 लेन पेव शोल्डर 28 किलोमीटर का, यानी 56 किलोमीटर का। तो CAG ने ये 56 किलोमीटर का जो पकड़ा है ये इससे 10 गुना बड़ा है और इसकी कीमत आती है 9.5 करोड़ पर किलोमीटर और 2 लेन की तो 19 करोड़ आती है। और इसमें भी हमने 12% बचाया है,